हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लियो है यानी सिंह राशि है तो चलिए देख लेते हैं लव करियर से रिलेटेड ओवरऑल नवंबर मंथ में यानी नवंबर 2022 में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। सो पॉजिटिव रहें। फर्स्ट हम आपके लिए एक गुड लक मैसेज लेने वाले हैं नवंबर मंथ के लिए, तो देखते हैं क्या आता है। सो इसे हम लास्ट में देखेंगे। तो हम एक चंद्रमा का गाइडेंस भी लेने वाले हैं आपके लिए नवंबर मंथ के लिए। चंद्रमा का गाइडेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो आपको नवंबर मंथ में क्या करने से आपका बेटर रिजल्ट मिलेगा सब कुछ में, यानी आपको सक्सेस मिलेगा, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरा होगा। ऐसा ही कुछ मैसेज यहाँ पर आपको मिलने वाला है चंद्रमा की तरफ से। सो इसे भी हम साइड कर देते हैं, इसे भी हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम चेक करेंगे आपका रीडिंग यानी आपकी एनर्जी नवंबर मंथ के लिए। डेथ, फर्स्ट कार्ड आया है डेथ। ये है द वर्ल्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके दिमाग में इस टाइम पर एक न्यू आइडिया आएगा जिसके थ्रू आप एक काम को सक्सेसफुली डन कर पाओगे, और इस टाइम पर आप किसी के ऊपर थोड़ा सा नज़र भी रख सकते हो कि वो इंसान इस टाइम पर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिलता है। सो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करना चाहोगे उस इंसान के तरफ से, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है। कोई एक इंसान आपके ऊपर नजर रख सकता है, ऑफलाइन के थ्रू भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन के थ्रू भी हो सकता है। सो अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहो। ये स्पाइंग एनर्जी लव लाइफ के साइड से भी आपके लाइफ में आ सकता है या फिर आपके करियर के साइड से भी आ सकता है। सो ये बॉटम ऑफ द डेक है, इसे हम साइड कर देते हैं। यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हैं, एरीज की एनर्जी यहाँ पर अलग से हैं, स्कॉर्पियो की एनर्जी अलग से हैं, और यहाँ पर लियो की एनर्जी अलग से हैं, और एयर साइन जिमना लिब्रा एक्यूरियस की एनर्जी है यहाँ पर। सो बाकी साइन यहाँ पर नहीं दिख रही है, यानी एरीज की साइन है, लियो की साइन है, यानी सैजिटेरियस की साइन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी कम है। सो बाकी सारे के सारे राशि यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए देख लेते हैं नवंबर मंथ के लिए 1 से 10 तारीख के बीच में क्या होने वाला है आपके लाइफ में। तो यहाँ पर फर्स्ट आया है डेथ कार्ड। सो यहाँ से मुझे लग रही है कुछ मैटरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे आप इमोशनलेस होके भागोगे। आपको ये नहीं दिखेगा कि इस चीज़ से, यानी आपका जो एक्शन है इससे किसका दर्द हो रहा है, किसको दुख मिल रहा है, या फिर किसका क्या नुकसान हो रहा है। सो इन सब चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले हो, आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने वाले हो। इस टाइम पर आपका जो इमोशन है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, और आपके मन से ये बात आपको पता होगा कि आप जो कर रहे हो वो सबके भलाई के लिए कर रहे हो, वो आपके अच्छे के लिए ही कर रहे हो, वो आपके परिवार के अच्छे के लिए ही कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं ये बात आपको पता होगा, और इसके लिए ही आप इस गोल को, इस टारगेट को अचीव करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होगे इस टाइम पर। और इसके थ्रू ही आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग भी आता हुआ दिख रहा है। इसके थ्रू ही आपके लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है, जो कि डेथ कार्ड के साथ एक
ओल्ड साइकिल खत्म होगा और एक रीबर्थ के साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा आपके लाइफ में। और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, बैकग्राउंड से कुछ साउंड्स आ रही होंगी सो इसके लिए माफी चाहती हूँ। इस टाइम पर आपके पास एक इमोशनल ऑफर भी आने वाला है, ये ऑफर बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। इस ऑफर को पाकर आपका जो इमोशन है वो ओवरफ्लो करने लगेगा। ये ऑफर आपके लव लाइफ के साइड से भी आ सकता है या फिर आपके करियर के साइड से भी आ सकता है, यानी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, कोई लव प्रपोजल भी हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हो तो कोई बिजनेस डील का ऑफर भी हो सकता है। सो कुछ भी हो, यहाँ पर एक इमोशनल ऑफर आपके पास इस टाइम पर आने वाला है। सो चलिए देख लेते हैं नवंबर मंथ के लिए 10 से 20 तारीख के अंदर क्या होने वाला है आपके लाइफ में। सो यहाँ पर है द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक साइकिल आपका एंड होने वाला है और एक न्यू साइकिल में आप एंटर करने वाले हो, और इस चीज का शुरुआत यहाँ पर डेथ से ही होता हुआ दिख रहा है मुझे। और इस टाइम पर आप कहीं पर घूमने भी जा सकते हो, अपने घर से दूर कहीं पर अकेले या फिर अपने फैमिली के साथ घूमने जा सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हो, अपने पर्सन के साथ घूमने जा सकते हो। सो यहाँ पर एक घूमने जाने का एनर्जी दिख रही है मुझे। और यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। सो इस टाइम पर कोई एक फीमेल फिगर आपके ऊपर रूठती हुई दिख रही है, कुछ चीज़ों को लेकर शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में। ये जो फीमेल फिगर हैं ये आपके मदर हो सकते हैं, ग्रैंड मदर हो सकते हैं, या फिर आपके एल्डर सिस्टर हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है। कोई एक फीमेल फिगर है आपके, अगर आप मेल हो तो आपके पर्सन भी हो सकते हैं। कोई छोटा मोटा इशू यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। यहाँ से मुझे लग रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, और इसके लिए ही आप इस पर्सन के पीछे मनाने के लिए जाओगे, और इसके थ्रू आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है वो और भी अच्छे से हील होता हुआ दिख रहा है मुझे। ये जो कार्ड है ये एक पॉजिटिव कार्ड है। जो भी यहाँ पर इशू क्रिएट होता है इस कार्ड के थ्रू, ये इशू आपके अच्छे के लिए ही क्रिएट होता है, यानी इससे आपको फायदा ही मिलता है। सो चलिए देख लेते हैं नवंबर मंथ के लिए 20 से 30 तारीख के अंदर क्या होने वाला है आपके लाइफ में। सो यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स। सो कुछ चीज़ों को लेकर आप जगलिंग करते हुए दिख रहे हो बहुत ही ज़्यादा मज़े से। यहाँ पर आपके मन में दुख नहीं दिख रही है। ये जो दो चीज के बीच में आप फंसते हुए नजर आ रहे हो, ये दोनों चीज ही आपको चाहिए। यहाँ से मुझे यही लग रही है इन दोनों चीज में से कोई एक को आप चूज नहीं करना चाहते हो, और आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों ही चीज अगर मेरे लाइफ में एग्जिस्ट करते रहे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसा नहीं होता है, किसी एक को आपको चूज करना होगा। कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा कि आप इन दोनों चीज को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हो। सो ये आपके लव लाइफ के तरफ से भी बन सकता है ये सिचुएशन, या फिर आपके करियर के साइड से भी बन सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने दोनों जॉब ऑफर आ जाए, या फिर दोनों लव प्रपोजल आ जाए, या फिर कहीं पर घूमने जाने का दो प्रपोजल आ जाए। सो ऐसा ही कुछ होने वाला है, और इस चीज में आप जगलिंग करते हुए दिख रहे हो। सो यहाँ पर है द एम्परर। हर एक की लाइफ डिफरेंट होती है, सो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके लाइफ में। तो मैंने बस कुछ एग्जांपल्स दिया जो मुझे समझ में आया। सो यहाँ पर है द एम्परर। यहाँ से मुझे लग रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में इस टाइम पर जाने वाले हो। आपके अंदर इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। किसी एक चीज़ में आप सक्सेस पाते हुए दिख रहे हो, किसी एक चीज़ में आपको विक्ट्री मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ से मुझे लग रही है कि ये जो जगलिंग सिचुएशन है इससे आप बाहर आ जाओगे द एम्परर के थ्रू, और इसके बाद से ही आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी पॉजिटिविटी एंटर करने वाला है। सो चलिए देख लेते हैं आउटकम, इससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नवंबर मंथ के 1 से 10 तारीख के अंदर का आउटकम। एक कार्ड अपने आप ही गिर गया है। सो यहाँ पर है द सन। ओह माय गॉड। सो 1 से 10 तारीख नवंबर मंथ का आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव गुजरने वाला है। इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हों। आपका जो मन है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्री रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके मन से कोई एक बोझ उतर गया है। बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करोगे इस टाइम पर आप।
और चलिए देख लेते हैं नवम्बर मंथ के 10 से 20 तारीख के अंदर का आउटकम। तो यहाँ पर है द मजिशियन, सो ये एक मेजर अरकाना है और ये भी। सो कुछ मेजर चीजें पॉजिटिव वे में होने वाली हैं आपके लाइफ में नवम्बर मंथ में। यहाँ पर एक ड्रीम कम ट्रू वाला सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। कुछ इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल करते हुए दिख रहे हो। कुछ चीजें ऐसा है जिसको आपको लगता था कि ये चीज आपसे नहीं होगा, ये कभी भी आपके लाइफ में नहीं आ सकता है, या फिर ऐसा कुछ भी, अगर कुछ इम्पॉसिबल था आपके लाइफ में वो यहाँ पर पॉसिबल होती हुई दिख रही है। सो चलिए देख लेते हैं नवम्बर मंथ की 20 से 30 तारीख के अंदर का आउटकम। तो यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ये एक सेलिब्रेशन की बात करता है, ये एक हैप्पीनेस की बात करता है, ये पॉजिटिविटी की बात करता है। सो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, घूमने वाले हो, कहीं पर जाके खाना खा सकते हो, किसी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर टाइम बिता सकते हो, कुछ क्वालिटी टाइम भी आप अपने पर्सन के साथ बिता सकते हो, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन भी बिल्डअप हो सकता है आप दोनों के बीच में, अगर आप चाहो तो आपके पर्सन के साथ। सो आउटकम बहुत अच्छी अच्छी आई है। सो चलिए देख लेते हैं एक मेजर मैसेज आपके लिए। कहाँ गया? सो यहाँ पर है द वर्ल्ड, आपके लिए भी आया है द वर्ल्ड, और यहाँ पर मेजर मैसेज में भी आया है द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली इस टाइम पर आप कहीं पर घूमने जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो आप अपने लाइफ में, और नवम्बर मंथ आपका ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता हुआ दिख रहा है मुझे, और डेफिनेटली इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो आप, और आप कुछ सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, यानी आपका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर यानी आपके डिसीशन के ऊपर डिसाइड होने वाला है। इस टाइम पर ब्रह्मा का आशीर्वाद आपके पास रहेगा, आपके लाइफ के ऊपर रहेगा। इस टाइम पर आप अपने लाइफ में अपने काम के थ्रू, अपने लॉजिक के थ्रू, अपने जो भी आइडियाज हैं उसके थ्रू एक न्यू बिगिनिंग आप अपने लाइफ में लाते हुए दिख रहे हो। ओके, सो कुछ स्टार्ट तो ज़रूर से ज़रूर होने वाला है आपके लाइफ में। सो चलिए देख लेते हैं जो मैसेज चंद्रमा ने दिए थे वो क्या है। सो ये है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो अगर आप इस टाइम पर सोचते ही रह जाओगे, ओवरथिंकिंग करते रह जाओगे, सो इस टाइम पर आप एक्शन नहीं ले पाओगे। तो चंद्रमा बता रहे हैं ये जो टाइम है ये आपका एक्शन लेने का टाइम है। अगर इस टाइम पर आप बैठे बैठे सोचते रहोगे वो टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा और आप ये एक्शन नहीं ले पाओगे, और आपके लाइफ में कुछ अगर स्टार्ट होने वाला था सो वो रुक जाएगा। लव लाइफ के साइड से हो या फिर करियर के साइड से, अगर इस टाइम पर आपको ऐसा लगता है, आपका मन ऐसा कहता है कि इस टाइम पर आपको एक्शन लेना चाहिए, तो ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा भी यही कह रहे हैं। सो चलिए देख लेते हैं आपके गुड लक मैसेज क्या आया था। ओ वाओ, सो यहाँ पर है सोलमेट। सो इस टाइम पर आपके पास एक लव ऑफर आ सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप बहुत दिनों से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था आपको, सो इस टाइम पर कोई एक अच्छा रिश्ता भी आपके पास आ सकता है जो इंसान आपके सोलमेट होंगे, या फिर कोई लव प्रपोजल तो आने वाला है आपके पास। ओके, सो वो पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक क्यूट मैसेज आ गया है आपके लिए। सो ओवरऑल आपका नवम्बर मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरने वाला है। सो इसको अभी सजा कर फ़ायदा नहीं है। सो बाय।